नमस्कार, मैं रुक्मणी और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय मोबाइल हॉस्पिटल है सुल्तानचल वासियों की पसंदीदा स्टोर सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में एक्सपर्ट्स फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर या डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग तो ओरिएंट स्टील इंडस्ट्रीज अब फर्नीचर में आइए सीधे करते हैं खबरों की शुरुआत। अपने आप को व्यवसायी कहने वाला, अपने आप को सोशल वर्कर कहने वाला पहले कोयला माफिया था, अब जमीन माफिया है कृष्णा प्रसाद। हीरापुर थाना का वांटेड महेश शर्मा के साथ उसको देखा गया। उसके बाद उन्होंने फेसबुक में आके कहा था कि 5 दिन में मैं आ रहा हूँ। आज 18 दिन हो गया पर कृष्णा प्रसाद नहीं आया। ये तमाम बातें कांग्रेस नेता शाह आलम खान ने कही। दरअसल पश्चिम बर्धमान कांग्रेस जिला अध्यक्ष देवेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में आज सीपी ऑफिस में लॉ एंड ऑर्डर और विभिन्न विषय को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। देवेश चक्रवर्ती ने कहा कि हीरापुर थाना अंतर्गत कई हत्याएं हुई है और इन हत्याओं के आरोपियों को पुलिस तलाश नहीं कर पा रही है। एक कथित व्यवसायी जो पहले कोयला चोरी करते थे, जमीन माफिया थे, वो बैठक कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रसन्नजीत पोइटुंडी, चंडी चटर्जी, एसएम मुस्तफा, शशि दुबे और अन्य कई कांग्रेसी मौजूद थे। देखिए, आज हम लोग सीपी ऑफिस पे सिर्फ लीडरशिप एक डेपुटेशन देने के लिए आए थे। जैसा कि हीरापुर थाना के अंदर में 2011 से कई एक ऐसा मर्डर केस जो हुआ था, जिसका केस में एक आसामी भी जिसको पुलिस 5 सालों में ढूंढ नहीं पाई है। 8 जुलाई के दिन गोविंदपुर के खालसा के करीब कोई होटल में अपने आप को व्यवसायी कहने वाला, अपने आप को सोशल वर्क कहने वाला, पहले कोयला माफिया था, अब जमीन माफिया है, कृष्णा प्रसाद जो हीरापुर थाना का वांटेड महेश शर्मा के साथ में उसको देखा गया था। उसके बाद उन्होंने फेसबुक पर आकर ये कहा था कि मैं 5 दिन में आ रहा हूँ। आज 18 दिन हो गया लेकिन कृष्णा प्रसाद आसनसोल, मुझे नहीं लगता कि आसनसोल के धरती पे आया। आज उसी को लेकर हम लोग सीपी साहब के पास में यहाँ पे आए थे डेपुटेशन देने के लिए, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि जिस तरीके से 2011 में राम लखन यादव से शुरू हुआ था, दिलीप सरकार, निर्गुण दुबे, अनूप माझी, अनूप मुखर्जी और फरीद आलम जो मर्डर हुआ, ऐसा ना हो कि कोई ऐसा साजिश ऐसा नहीं चल रहा हो कि आसनसोल के अंदर में, बनपुर के अंदर में ऐसा कोई दोबारा घटना घटे। आप देखेंगे आसनसोल में दूसरा हमारा ये था कि कोयला, बालू, साथ साथ में ड्रग्स का कारोबार जिस तरीके से आसनसोल में चल रहा है, ये सब भी बंद होना चाहिए। ये सब को लेकर हम लोग आज सीपी साहब के दफ्तर पे आए। देखिए, बाजार के इलाके में भी देखेंगे, बनपुर में, रहमत नगर के इलाके में देखेंगे, रेल पार्क के इलाके में देखेंगे, चेरी लंगाल के इलाके में देखेंगे, ऐसा कोई भी जगह नहीं है बाकी जहाँ ड्रग्स का कारोबार नहीं चल रहा। इसके बारे हम लोगों ने पहले भी पुलिस से कहा है लेकिन पता नहीं पुलिस प्रशासन को, हम लोग देखते हैं कि तृणमूल कांग्रेस का नेता को किस तरीके से खुश रखा जाए, उनका काम बस यही रहता है। शाह आलम खान, आसनसोल साउथ ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष। दो दिन धरे कमिश्नरेट हवार पर हमारा कमिश्नरेट उपरे विभिन्न रकम झमेला देखते पाच्छि। 2011 साल पर हीरापुर थानाते हमें देखी एकटार पर एक मार्डार घटे एवं से ही मार्डारे जरा आसामी যাদের পুলিশ খুঁজে পাচ্ছে না, আমরা দেখতে পাচ্ছি আসানসোলের গুটি কয় ব্যবসায়ী যারা আগে কয়লা চুরি করত, জমি মাফিয়া ছিল, তারা এখন তাদের সঙ্গে গোপন বৈঠক করছে যেগুলো পত্রপত্রিকায় মিডিয়ার মাধ্যমেও বেরোচ্ছে। কিন্তু পুলিশ প্রকৃত খুনিদের বা আসামিদের দীর্ঘ হীরাপুর থানায় 7টা 8টা 9টা মার্ডার হয়ে গেছে, একটাকেও খুঁজে পায়নি। আমরা যেটা দেখেছি সেটা হচ্ছে পঞ্চায়েত ইলেকশনের পর থেকে গোটা জেলা জুড়ে কংগ্রেসের কর্মীদের উপরে তাদের আর্মস কেস দিয়ে, তাদের অ্যাটেম্প টু মার্ডার কেস দিয়ে, তাদের চুরির কেস দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় তাদের জেলে বা হাজতবাস করানোর চেষ্টা চলছে। আমরা যেমন দেখেছি গোটা জেলা জুড়ে কয়লাবালির রাজত্ব চলছে, ড্রাগসের রাজত্ব চলছে, পুলিশ কুম্ভকর্ণের ভূমিকায় পালন করছে। বিরোধীরা যখন আমরা বলতে যাই তখন পুলিশ কর্ণপাত করে না, বিভিন্ন জায়গায় যাবেন পুলিশ বলে পিস মিটিং, সেখানে পিস মিটিং কাদের সঙ্গে হচ্ছে? তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রতিনিধি, তৃণমূলের এমএলএ, তৃণমূলের কাউন্সিলর, কোনো বিরোধী দলের লোককে জেলার কোনো পিস মিটিংয়ে আপনারা খুঁজে পাবেন না যে পুলিশ পিস মিটিংয়ের নাম করে দলতন্ত্র কায়েম করছে। এছাড়াও বিভিন্ন রকম আছে, আমাদের কাউন্সিলরকে আর্মস কেস দেওয়া হয়েছে, আমাদের ক্যান্ডিডেটদের তাদের তিন বাই আজামুরিয়ায় বাই ইলেকশানের
दिन मैं जिनके रिपोल है से दिन के कैंडिडेटर ऐले के ठीक तरह आगे दिन तुले गए 307 केस देा हो पुलिस हमारे कथा होड़े देव परवर्ती देखा जा पुलिस 307 केस दिखे सभापति मन हे पुलिस और बहु पुलिस अफिसार बोले फेलचे जो मलय घटक पुरो घटनार जो दायी मंत्री हुए जदि एरक निर्लज्जर मत बिरोधी दल बाच्चा बाच्चा छेलेगुलो के जेले पाठानोर चेष्टा करे ताले तारा परवर्तीकाले क्रिमिनल हुए जन्म नेबे एवं मंत्री पुलिस प्रशासन चाहिए पश्चिम बर्धमान में क्रिमिनल जन्म हो आमरा तार जन्य प्रतिबाद। स्पेंसर के वैल्यू मार्केट में कल भीषण आग लग गई थी। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, पर काउंसिलर जीतू सिंह ने कहा था कि बड़े बड़े बिल्डिंग तैयार हो रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेड लाइसेंस निकाल ले रहे हैं, पर दमकल के दाखिल होने का सही रास्ता नहीं रहता। प्रशासन को चाहिए कि इस पर नजर रखे। आज इस सिलसिले में मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि हमारी टीम सिर्फ उस मॉल को ही नहीं बल्कि जितने भी मॉल्स और होटल्स हैं सबका जायजा लेगी, ट्रेड लाइसेंस सहित प्लान और फायर सर्विस की व्यवस्था की जाँच की जाएगी। কাল কে আশ্রম মোড়ে মলে আগুন লেগেছে বলা যাচ্ছে এবং আপনাদেরই কাউন্সিলর জিতু সিং বলছেন ওখানে কোনো প্ল্যান নয় কিছু নয়, সেইভাবে পড়েছে তার ফলে অনেক কালকে বড় দুর্ঘটনা থেকে হাতে রক্ষা পেয়েছে। আপনারা কোনো টিম পাঠিয়েছেন ইনকোয়ারি করার জন্য? অল অলরেডি আমরা টিম কে পাঠাচ্ছি এবং সব কিছু শুধু ওটা নয় সমস্ত হোটেল যা যা বা যা মল আছে समस्त कागजपत्र किन्तु आमरा अलरेडी इंजिनियर बोले दिएछि एटा सबार काछे चिठी पाठिये दिते एवं सब रकम जदि ठीकठाक ना थाके ताहले सेगुलोके किन्तु ट्रेड लाइसेंस गुलो कैंसिल करे देवा होबे। जेभाबे कालके देखा गेलो कि दमकल ठिकमतो आगुन नेवाते पारलो ना जायगा ना थाका कारणे प्लेसटा कम छिलो प्लेस देखे माने किछु किछु असुविधा होयेछे होच्छे जेमन रास्ताते एखन वेस्ट बेंगल गवर्नमेंटेर जे WBSCDL যে ইলেকট্রিকের বেইগুলো কাটছে ওগুলোনে ওইগুলোনে একটু অসুবিধা হচ্ছে, তো সেগুলো অলরেডি সেখান থেকে আমরা একটা প্রপোজাল দিয়েছিলাম যে সব জায়গায় ক্ষতি হয়েছে সেগুলোতে রাস্তা বানানোর জন্য টাকা ওনারা দিয়েছেন এবং আগামী দিনে কাজগুলো হবে। আর হোটেল বা মল তারা তাদের পুরোপুরি আমাদের প্ল্যান ট্রেড লাইসেন্স অগ্নি নির্বাপক যে ব্যবস্থা সেই সব না থাকলে কিন্তু আমরা আগামী দিনের ব্যবস্থা নেব। ऑलरेडी आते बोले छे हमरा वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अपने घर के लिए बेटर प्राइस और बेस्ट क्वालिटी फर्नीचर की कर रहे हैं खोज तो ओरिएंट स्टील इंडस्ट्रीज अब फर्नीचर मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड कर रहा है अलमीरा, बेड, डाइनिंग टेबल, सोफा और दूसरे फर्नीचर्स। अट्रैक्टिव डिजाइन वाले फर्नीचर्स जो है टिकाऊदार और आरामदायक सिर्फ आपके घर के लिए 0% इंटरेस्ट के साथ पाए फाइनेंस फैसिलिटी। नोट करें हमारा एड्रेस, नरसिंहबाग नियर बालाजी धाम, अपर रोड, बर्नपुर। कम बजट में बनाएं अपने सपनों का घर, डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर, फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, वैरायटीज ऑफ वॉलपेपर के साथ ही साथ यहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फ्लोरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के सामान। स्टार्टिंग प्राइस ₹500 ओनली। चाहे हो नया घर या फिर लाना चाहते हैं पुराने घर में कुछ नयापन तो आज ही हमारे यहाँ आए। नोट करें हमारा एड्रेस, जयंती इनक्लेव अपकार गार्डन नियर मीट वेस्ट हॉस्पिटल, जीटी रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 6294940064। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है, बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत अट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटी दार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना, वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में, साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। कई
सुविधाओं के साथ आने वाले स्मार्टफोन्स की करनी हो खरीदारी तो मोबाइल हॉस्पिटल है सुल्तानचंद वासियों की पसंदीदा स्टोर। ज्यादा एक्सचेंज वैल्यू, जीरो डाउन पेमेंट और 0% इंटरेस्ट के साथ एक्साइटिंग ऑफर्स, वो भी ऑनलाइन से कम प्राइस में। स्मार्टफोन्स ही नहीं, मोबाइल हॉस्पिटल में मिलेंगे स्मार्ट टीवी, टैब्स और अदर एसेसरीज। हमारा एड्रेस है ड्रीम ओसिस अपार्टमेंट, लोअर चेडंगा, आसनसोल। मेंस वियर की एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। मेंस के पसंद का खास ख्याल रखते हुए जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, ब्लेजर और शूज के अलावा और भी बहुत कुछ सिर्फ सुप्रीम गारमेंट में, जो कि है पॉकेट फ्रेंडली फॉर एवरी मैन। हमारे यहाँ 2500 या 2500 से ऊपर की खरीदारी करने पर आप ले सकते हैं लकी ड्रॉ में हिस्सा, जिसके विजेता को मिलेगा एक चमचमाती हुई स्कूटी। तो आज ही आए हमारे यहाँ। नोट करें हमारा एड्रेस, टीपी मार्केट नियर टेक्नो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आसनसोल। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्स फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में एचयू व हेपा फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में मां के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर, अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो, उसके लिए संपर्क करें स्पर्स फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने आज वार्ड नंबर 44 में 16 लाख रुपए की लागत से ड्रेन, स्लैब जैसे कामों का शिलान्यास नारियल फोड़ कर किया। अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि वार्ड के लिए ये एक बहुत जरूरी काम था। इस अवसर पे आसनसोल साउथ पुलिस के IC कौशिक कुंडू और वार्ड के लोग उपस्थित थे। हेलो, हनुमान जी आज संगे हनुमान जी आज रोड कल के ऐसा नहीं होता है, हम तो ओपन बोल रहे हैं। जय माता दी। না না ভাঙবো না, এইটাকে শাটারিং এ কাজ করি।
भीतर में क्या कुछ है क्या वहाँ पर प्रॉब्लम है बाबा? আজ বাজার এলাকায় কিছু জায়গা ছিল যেখানে কাজের খুব দরকার ছিল, তো আমাদের এই সমস্ত কাজগুলো হয়েও গিয়েছিল ওয়ার্ক অর্ডার, তো আমরা আজকে সেই কাজগুলো শিলান্যাসের মাধ্যমে ওপেনিং করলাম আসানসোল পৌর নিগমের মাধ্যমে। তো প্রায় 16 লক্ষ টাকার কাজ, যে কাজটা মানুষের খুব জরুরিও ছিল, এবং যেটা ড্রেনটা ছিল তার উপরে হাই ড্রেনের উপরে স্ল্যাবগুলো খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিলো, দীর্ঘদিনের মানুষের এটা চাহিদা ছিল, তো আজকে সেই চাহিদা পূরণ করাতে আমরা খুশি হয়েছি। মানুষের চাহিদা পূরণ হবে, এবং সেখানে উপস্থিত ছিলেন আমাদের বাজারের বিভিন্ন মানুষজন ছিল, এবং কয়েকটা জায়গা ছিল যেখানে মানুষ বিভিন্ন অসুবিধারও সম্মুখীন হচ্ছিলেন, এবং সেখানে আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমরা বড়বাবুকে ডেকেছিলাম। বড়বাবু ওই সানায় আমাদের এখানে এই শিলান্যাসে উপস্থিত ছিলেন, এবং উনিও খুব খুশি হয়েছেন সরকারিভাবে এই অনুষ্ঠানে উনি উপস্থিত হওয়াতে। তো দীর্ঘ আরও কয়েকটা কাজ আছে যেগুলো আগামী দিনে পৌর নিগম হোক, চাহে আমাদের মন্ত্রীর মাধ্যমে হোক, চাহে এডিডি এর মাধ্যমে হোক, আমরা সেইগুলো সমস্যার সমাধান করব। আজ কে লিয়ে খবরों में बस इतना ही। अपने आसपास की ताजा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूले। धन्यवाद। आसनसोल नगर निगम के तत्वधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहां तहां ना फेंके। कौन सा कचरा कहां डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें, और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।